निचली अदालतों में एससी एसटी वर्ग के जजों का चयन न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और हाईकोर्ट को सलाह दी कि जरूरत पड़ने पर नियमों को ढीला करें, और यही है हमारा केस ऑफ द डे। लेकिन नजर डालते हैं पहले कुछ और खबरों की तरफ भी। केसों के जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने की जाने वाली मेंशनिंग की प्रथा को वर्तमान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई खत्म करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग की लंबी लाइन को देखते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फिर कहा कि वो जल्द सुनवाई के लिए की जाने वाली मेंशनिंग को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इससे अदालत का समय बहुत बर्बाद होता है। चीफ जस्टिस ने वकीलों से कहा कि वो एक गाइडलाइन तैयार कर रहे हैं, जिसके चलते याचिका रजिस्ट्री में दाखिल करने के बाद 4 दिन के भीतर मामला सुनवाई के लिए लिस्ट हो जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा 5 दिन के भीतर। इससे पहले भी चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम पहले ही सुनवाई के लिए केस लिस्ट करते हैं, बावजूद इसके भी मेंशनिंग की जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा होता कि मेंशनिंग के दौरान जैसा केस बताया जाता वैसा कागजातों में नहीं होता। वैसे चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई मौत का मामला हो, कहीं तोड़फोड़ की जा रही हो, किसी का घर खाली हो रहा हो या कोई रिहा हो रहा हो, तो ही ऐसे केसों में वो जल्द सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जरूरी मामलों की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग की प्रथा है। वहीं सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रहे राकेश अस्थाना का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि राकेश अस्थाना को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डीजी पद से सस्पेंड किया जाए। याचिका में कहा गया कि कानून के मुताबिक एफआईआर में आरोपी बताए गए राकेश अस्थाना को मामले से निपटारे तक सस्पेंड कर देना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें प्रमोशन देकर डीजी बना दिया। याचिका में यह भी कहा गया कि हाई पावर कमेटी के जरिए जिस तरह आलोक वर्मा को सीबीआई के निदेशक पद से हटाया गया, वो पूरी प्रक्रिया भी गलत है। इसके अलावा कहा गया कि भविष्य में अगर किसी निदेशक को हटाने की स्थिति आए तो उसके लिए भी नई गाइडलाइन तैयार की जाए। याचिका में दावा किया गया कि आलोक वर्मा को हटाने की पूरी प्रक्रिया निजी स्वार्थ से प्रेरित थी। कमेटी में शामिल 2 व्यक्तियों का इस मामले में स्वार्थ था। इसके अलावा कहा गया कि आलोक वर्मा के खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं थी और न ही उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नर्मदा पाटिया दंगे के मामले में 4 दोषियों को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उनकी सजा पर फिलहाल संदेह है और इस पर बहस की गुंजाइश है। गुजरात हाईकोर्ट ने इन 4 को 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी। गुजरात में 2002 में हुए दंगों के दौरान नर्मदा पाटिया इलाके में 97 लोगों की मौत हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के 4 दोषियों उमेश भाई भारवाड़, राजकुमार हर्षद और प्रकाश भाई राठौड़ को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दोषियों को इस आधार पर जमानत दी है कि हाईकोर्ट के फैसले पर अभी बहस की गुंजाइश है। कोर्ट ने कहा कि 4 को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि दोषियों की अपील की सुनवाई में समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी और अन्य की अपील भी स्वीकार कर ली गई है। नर्मदा पाटिया दंगा मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने माया कोडनानी को बरी कर दिया था, वहीं बाबू बजरंगी की सजा बरकरार रखी गई थी। सुनवाई के दौरान नर्मदा दंगा पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग वाली याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस मामले में 32 दोषियों में से गुजरात हाईकोर्ट ने माया कोडनानी सहित 17 लोगों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने 12 लोगों की सजा को बरकरार रखा था, साथ ही अभी 2 के ऊपर फैसला आने का इंतजार है। अगस्त 2012 में एसआईटी मामलों के लिए विशेष अदालत ने राज्य की पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता माया कोडनानी समेत 32 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कोडनानी को 28 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। साथ ही बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 7 अन्य को 21 साल के आजीवन कारावास और शेष अन्य को 14 साल के साधारण आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में 29 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। जहां दोषियों ने निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, वहीं विशेष जांच दल ने 29 लोगों को बरी किया था। इन सभी दोषियों को आईपीसी की धारा 436 के तहत घर को नष्ट करने के इरादे से आग लगाना या विस्फोट करना के तहत दोषी ठहराया गया था। नर्मदा पाटिया दंगा केस साल 2002 में हुए गुजरात गोधरा कांड से जुड़ा है। नर्मदा पाटिया दंगे में करीब 97 लोगों की मौत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू महिला और मुस्लिम पुरुष की शादी से हुए बच्चों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में न सिर्फ बच्चे को जायज करार दिया बल्कि उसके पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार का हक भी दिया है। हिंदू मुस्लिम विवाह से पैदा होने वाले उत्तराधिकार के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अहम व्यवस्था दी।
जस्टिस एनवी रमन और जस्टिस एमएम शांतन गौदर की बेंच ने केरल हाईकोर्ट के आदेश पर मुहर लगाई और कहा कि एक हिंदू महिला की एक मुस्लिम पुरुष से शादी नियमित या वैध नहीं, लेकिन इस तरह के वैवाहिक रिश्ते से जन्मी संतान जायज है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की शादी से जन्मी संतान उसी तरह से जायज है जैसे कि वैध विवाह के मामले में होता है और वो संतान अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार पाने का हकदार है। इस मामले में केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि इस दंपत्ति का बेटा जायज है और कानून के मुताबिक पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने का हकदार है। कोर्ट ने कहा कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एक मूर्ति पूजा या अग्नि पूजा के साथ एक मुस्लिम व्यक्ति का विवाह न तो वैध है और न ही एक निरर्थक विवाह है, लेकिन ये केवल एक अनियमित विवाह है। लेकिन इस तरह के विवाह से पैदा हुआ कोई भी बच्चा अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने का हकदार है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि हिंदू मूर्तियों की पूजा करते हैं, इसलिए ये स्पष्ट है कि मुस्लिम पुरुष के साथ हिंदू महिला की शादी सामान्य तौर पर देखने को नहीं मिलती। कोर्ट ने कहा एक अनियमित शादी का कानूनी प्रभाव ये है कि उपभोग के मामले में पत्नी को अपने पति की पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का हक नहीं, लेकिन उस शादी से पैदा हुए बच्चे को अपने पिता की संपत्ति को पाने का हक। मुस्लिम कानून के मुताबिक शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति विवाद के इस मामले में कहा कि शमसुद्दीन के चचेरे भाइयों ने संपत्ति पर उनके दावों का विरोध किया था और ये दावा किया था कि शादी के समय वल्लीमा धर्म से हिंदू थी और कानूनी रूप से इलियास की पत्नी नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि शमसुद्दीन मोहम्मद इलियास का वैध पुत्र है और वो अपने पिता की संपत्ति में दावा किए गए शेयरों को प्राप्त करने का हकदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपी। बिल्डर कंपनी यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा और उसके भाई अजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मकान खरीदारों की रकम कथित रूप से हड़पने के मामले में एमडी संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा गया कि एमडी ने सुप्रीम कोर्ट के 30 अक्टूबर 2017 के आदेश का पालन नहीं किया और अभी तक 750 करोड़ रुपए जमा नहीं करवाए। अजय और संजय 9 अगस्त 2017 से जेल में बंद हैं। संजय चंद्रा और अजय चंद्रा ने जमानत पर रिहाई का अनुरोध करते हुए कहा कि उन्होंने शीर्ष अदालत के आदेश पर अमल किया और 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा करा दी। इन दोनों के खिलाफ यूनिटेक की वाइल्ड फ्लावर कंट्री और एंथिया प्रोजेक्ट के 158 मकान खरीदारों ने 2015 में आपराधिक मामला दर्ज करवाया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबरीमला फैसले पर दायर समीक्षा याचिका की सुनवाई वो 30 जनवरी तक नहीं कर सकता। सुनवाई करने वाली पीठ में शामिल एक जस्टिस स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पे हैं, इसलिए कोर्ट ने असमर्थता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को सुनाए गए अपने फैसले में सबरीमला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा कुछ चिकित्सकीय कारणों से 30 जनवरी तक छुट्टी पर हैं। जस्टिस मल्होत्रा उस 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अकेली महिला सदस्य हैं जिसने सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी। जस्टिस मल्होत्रा ने मामले में असहमति से फैसला दिया था। 28 सितंबर को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 4-1 से फैसला सुनाया था। सबरीमला मंदिर में 30 से 50 उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर लगी पाबंदी को कोर्ट ने लैंगिक भेदभाव वाला बताया। इस मामले पर सुनवाई करने वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस ए एम खानवलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अलग रह रही पत्नियां गुजारा भत्ते की मांग करती हैं तो पति कहने लगते हैं कि वो आर्थिक तंगी भी जी रहे हैं या कंगाल हो गए। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी एक प्रतिष्ठित अस्पताल में काम करने वाले हैदराबाद के एक डॉक्टर को नसीहत देते हुए दी कि वो सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं छोड़ दे क्योंकि उसकी पत्नी गुजारा भत्ता मांग रही है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया जिसमें डॉक्टर को निर्देश दिया गया कि वो अलग रह रही अपनी पत्नी को गुजारे के लिए अंतरिम तौर पर हर महीने 15,000 रुपये दे। कोर्ट ने कहा कि आज के वक्त में क्या किसी बच्चे का पालन पोषण महज 15,000 रुपये में करना संभव है। इन दिनों जैसे ही पत्नियां गुजारा भत्ते की मांग करती हैं तो पति कहने लगते हैं कि वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं या कंगाल हो गए। आप इसलिए नौकरी नहीं छोड़ दें क्योंकि आपकी पत्नी गुजारा भत्ते की मांग कर रही है। याचिकाकर्ता पति के वकील ने कहा कि अंतरिम सहायता के तौर पर तय की गई राशि बहुत ज्यादा है और सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट का आदेश दरकिनार कर देना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एक मशहूर अस्पताल में डॉक्टर है और वैसे भी ये अंतरिम आदेश है जिसमें दखल की जरूरत नहीं है। दुष्कर्म मामले में आरोपी दाती मदन लाल और अन्य आरोपियों को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी, यानी फिलहाल इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अलग कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए मुचलके का निजी मुचलका भरने और इतनी ही राशि जमा करने की शर्त पर जमानत दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस दौरान वो दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे और साक्ष्यों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
दाती और अन्य की ओर से निचली अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में ढीली जांच के लिए सीबीआई को फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद 3 महीने के भीतर सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट क्यों नहीं दी। साकेत कोर्ट ने कहा कि मामले में क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन छानबीन के दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। दाती मदन लाल पर उन्हीं के आश्रम की एक महिला से बलात्कार का आरोप है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराते हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका, लेकिन अभी तक दाती की गिरफ्तारी नहीं। सीबीआई आज भी कोर्ट से इस मामले में समय की मांग कर रही थी, लेकिन कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया। अब बात करेंगे केस ऑफ द डे की। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि निचली अदालतों में न्यायिक पदाधिकारियों के पदों पर आरक्षित वर्ग से उम्मीदवार न चुने जाए तो हाईकोर्ट को चयन के नियमों में ढील देने पर विचार करना चाहिए। केरल की निचली अदालतों में आरक्षित वर्ग में एक भी जज के चयन न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आरक्षित वर्ग के पद हमेशा खाली रह जाएंगे। एक ओर केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिए जाने का कानून बनाया है, तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों में आरक्षित वर्ग से उम्मीदवार चयनित न होने पर चिंतित। सुप्रीम कोर्ट ने केरल की निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति के लिए हुई परीक्षा में आरक्षित वर्ग से एक भी उम्मीदवार का चयन न होने पर यह चिंता जताई है। केरल हाई कोर्ट को आरक्षित वर्ग से एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला जो निचली अदालतों में न्यायिक अधिकारी के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल कर पाया हो। केरल हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 35% अंक और मुख्य परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक निर्धारित किए गए थे, लेकिन सिर्फ 3 ही परीक्षार्थी इंटरव्यू तक पहुंच पाए और इनमें से कोई भी न्यायिक अधिकारी के पद के योग्य नहीं पाया गया। न्यायिक अधिकारी के 45 पदों के लिए 2700 से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी और उसमें सामान्य वर्ग के सिर्फ 31 उम्मीदवार ही चयनित हो पाए। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस एलएन राव और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में हाईकोर्ट को पास होने के लिए न्यूनतम अंकों को कम कर देना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार शायद 35% से 30%। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आश्चर्यजनक है कि केरल जैसे राज्य में न्यायिक अधिकारी के पद के लिए 45 उम्मीदवार नहीं मिल सके। प्रधान न्यायाधीश ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के सामान्य परिदृश्य पर कहा कि न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व देने के लिए हाईकोर्ट आरक्षित वर्गों के लिए पास करने के न्यूनतम अंक को कम कर सकता है, नहीं तो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार कभी परीक्षा पास ही नहीं कर पाएंगे और उनके लिए सुरक्षित रखे गए पद हमेशा खाली रह जाएंगे। न्यायिक अधिकारी के 45 पदों के लिए 2700 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी और उसमें सामान्य वर्ग के सिर्फ 31 उम्मीदवार ही चयनित हो पाए। जस्टिस गोगोई ने कहा कि अन्य सेवाओं में भर्ती के लिए आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम अंकों को कम किया जाता है और उचित कदम उठाने के लिए हाईकोर्ट इस पहलू की जांच कर सकता है। कानून मंत्रालय के मुताबिक अधीनस्थ न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों के 14% से कम और अनुसूचित जनजाति का करीब 12% जज है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय में टीचर्स की नियुक्ति में आरक्षण के लिए यूनिवर्सिटी आधार न होकर बल्कि विभाग आधार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें टीचर्स की नियुक्ति में दिए जाने वाले आरक्षण के लिए डिपार्टमेंट को एक यूनिट के तौर पर माना जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, इसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस UU ललित की बेंच ने खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2017 में यह फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सही है और तार्किक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे एक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर की तुलना दूसरे से होगी, अलग अलग विभाग का प्रोफेसर डिपार्टमेंट चेंज नहीं हो सकता। केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि डिपार्टमेंट को एक यूनिट मानते हुए कई विषमता हो जाएंगी, लेकिन अदालत इससे संतुष्ट नहीं हुआ और अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ लॉ को ओपन रखने की केंद्र की दलील नहीं मानी। तो राकेश शिवप्रकाश मेहरा की फिल्म मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर को लेकर चल रहे विवाद के बीच मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई। विवाद फिल्म लेखन के क्रेडिट को लेकर है। राकेश शिवप्रकाश मेहरा पर आरोप है कि उन्होंने स्टोरी और स्क्रीन प्ले नए लेखक मनोज मेहरता से ली और उसमें अपना क्रेडिट जोड़कर उन्हें हुसैन दलाल के साथ खुद को शामिल कर लिया, जबकि मनोज का कहना है कि जब पूरी स्टोरी और स्क्रीन प्ले और डायलॉग उनके हैं तो वो क्रेडिट क्यों शेयर करेंगे। मनोज ने कोर्ट में रिलीज रुकवाने की याचिका दाखिल करने की बात कही है। उनका कहना है कि जब तक मामला हल नहीं हो जाता तब तक फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। इससे पहले स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन की
डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी मनोज केक में फैसला दे चुकी है। इस मामले पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ को अपॉइंट किया, जिसके बाद दो हफ्तों के अंदर यह निर्णय लिया जाएगा कि मनोज को सोलो क्रेडिट या फर्स्ट क्रेडिट दिया जाना है या नहीं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ट्रांसजेंडर्स को सेना में जाने से रोकने की नीति लागू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले को 5-4 से मंजूर किया। हालांकि निचली अदालतों में इस नीति को चुनौती देने के मामले चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का विरोध किया। ट्रंप की इस नीति के तहत ट्रांसजेंडर लोगों को सेना में जाने से रोका जाएगा। और फिलहाल इस बटन में सिर्फ इतना। ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरें लगातार एपिन पर जारी रहेंगी।